बीजेपी के युवा नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने मुंगावली में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। कार्तिकेय ने कहा कि कमलनाथ की सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण दिग्विजय सिंह थे। मुंगावली पहुंचे कार्तिकेय चौहान ने दिग्विजय सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मैं दिग्विजय सिंह को धन्यवाद दूंगा जिनके कारण कांग्रेस की सरकार ही गिर गई और शिवराज जी को जनता के साथ फिर से रहने का मौका मिला। उन्होंने कहा, जब कमलनाथ ने सिंधिया जी की नहीं सुनी तो सिंधिया जी और ब्रजेन चाचा को जनता के हितों के लिए जमीन पर उतरना पड़ा, लेकिन हुआ ऐसा कि सिंधिया नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ही जमीन पर आ गई। कार्तिकेय ने कहा, कांग्रेस की सरकार को बेटियों की बद्दुआएं लगी हैं जिनके हाथ कमलनाथ जी ने पीले नहीं होने दिए थे, उन्हें गरीबों की हाय खा गई। लेकिन अपने साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को भी सड़क से उतार दिया। तो मैं मानता हूं कि आखिरी कारण स्वयं दिग्विजय सिंह जी हैं जो सरकार गिराते हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। कांग्रेस ही कहते थे कि उन्होंने बेटियों का जो हम राशि देते थे उसको बढ़ाकर उन्होंने 51,000 रुपए की राशि कर दी विवाह की। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब की जो हाय लगती है तो अच्छी अच्छी संतने नहीं बन पाती। सबसे बड़ा कारण अगर सरकार गिरने का रहा है तो वो उन बेटियों का रहा है, उन बेटियों की हाय का रहा है जिनसे कमलनाथ जी ने वादा तो किया था कि 51,000 रुपए देंगे, लेकिन एक भी बेटी का कन्यादान इन 15 महीनों में एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कराए माननीय कमलनाथ। इसके गवाह मैं नहीं, आप सब साक्षात हैं सामने। और ठीक है, 13 साल के बाद सरकार बनाई, मुख्यमंत्री के रूप में पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी कि चलो आप आए 13 साल बाद आपको कुछ अच्छा करेंगे। 10 साल में आपने जब आपने मध्य प्रदेश का कबाड़ा किया होगा, 13 साल में आप सीख गए होंगे, समझ आ गई होगी, आपको कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करने की बजाय माननीय कमलनाथ जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां थी वो भी बंद कर दी। अब एक बात बताइए, क्या बिगाड़ा था किसान ने मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी का, जो 0% ब्याज पर कर्जा बंद कर दिया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।